हेलो एवरीवन, टीचिंग बायोलॉजी में हम सभी का स्वागत करते हैं। आज का जो टॉपिक रहने वाला है, टॉप 100 क्वेश्चन रिव्यू क्वेश्चंस फॉर डिप्टी इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर एग्जामिनेशंस फॉर फिशरीज प्रोफेशनल्स। जो बच्चे फिशरी के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो डिप्टी इंस्पेक्टर की कर रहे हो, जो भी एग्जाम हो, चाहे वो फिश फार्म मैनेजर की तैयारी कर रहे हो, तो ये जो लेक्चर है उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि जो भी इस लेक्चर में हमने एमसीक्यू डिस्कस किए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, खासकर फिशरीज के रिलेटेड। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर वो है, इन शॉक्स द कॉडल फिन इज। आप जानते हैं जो कॉडल फिन होता है वो टेल साइड में होता है, उसको हम कॉडल फिन कहते हैं। और इसको हम ऐसे भी कहते हैं, बहुत सारी जो फिशेज होती हैं फिशेज की टेल को हम कॉडल फिन कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अगर शॉक की बात करें, शॉक्स के अंदर जो कॉडल फिन होता है वो क्या होता है। ऑप्शन नीचे दिया गया है, होमो सर्कल, आइसो सर्कल, हटीरो सर्कल या नन ऑफ दी अबो। देखिएगा इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हटीरो सर्कल। क्या आएगा? हटीरो सर्कल। हटीरो सर्कल का मतलब क्या होता है, अनइक्वल अपर एंड लोअर लोब्स। यहाँ पे जो है पीछे जो इसकी जो जो दुम होती है, या हम उसको हम टेल कहते हैं, वो अनइक्वल होती है, वो उसकी इक्वल लोब्स नहीं होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं हेटेरो सर्कल। हालांकि होमो का मतलब होता है कि जो वर्टिब्रल कॉलम एंडिंग जो होती है वो जो नियर द मिडल ऑफ द बेस वो क्या होती है, सिमेट्रिकल होती है। ओके, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हेटेरो सर्कल। शार्क्स के अंदर जो कॉडल फिन होता है वो होता है हेटेरो सर्कल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज द पैसिफिक ऑयस्टर। यहां जो नीचे दिए गए हैं इनमें से बताना है कि पैसिफिक ऑयस्टर कौन सा है। ओके, क्रेसो स्ट्रिया गिगस, सी कॉमर्शियस, सी एंगुलेटा, सी वैगिनिका। देखिएगा जो पैसिफिक ऑयस्टर, जिसको हम जापानीज ऑयस्टर भी कहते हैं, या हम इसको मायागी ऑयस्टर भी कहते हैं, जिसका साइंटिफिक नाम मेगालिया गिगस भी कहते हैं, एक ऐसा ऑयस्टर होता है जो कि पैसिफिक कोस्ट ऑफ एशिया के अंदर जो है ये मिलता है। फाइलम जो है मोलस्का इसका आता है। इसका जो आंसर आएगा, पहला हमें आंसर देखना है वो है क्रेसोस्ट्रिया गिगस, इसको हम कहते हैं जो कि पैसिफिक ओएस्टर होता है। ओके, इसको जो फाइलम है, फाइलम जो है ये मोलस्का के अंदर आता है। फैमिली की अगर हम बात करें, फैमिली जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर आती है, और क्लास जो है, क्लास इसको है बाइवेलविया, ठीक है ना, बाइवेलविया क्लास ये बिलोंग करता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, कल्चर्ड मिल्क फिश फीड्स मेनली ऑन। अब जो कल्चर्ड मिल्क फिश फीड होती है वो मेनली फीड किसको करती है। देखिएगा जो मिल्क फिश होती है फैमिली चैनेडिया के अंदर आता है। मिल्क फिश जो है ये फैमिली चैनेडिया के अंदर आती है, और साइंटिफिक नाम होता है चैनोस चैनोस। आर्डर जो है गुनोरेंची फॉर्म्स। इनको हम मिल्क फिश क्यों कहते हैं, बिकॉज जब जो फिश है, फिश का जो फ्लैश होता है वो होता है वाइट कलर। ओके, इसलिए इसको हम मिल्क फिश भी कहते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा, हमें आंसर देखना है, आंसर इसका आएगा बेंथिक ब्लू ग्रीन एल्गी। बेंथिक ब्लू ग्रीन एल्गी जो है इसका ये आंसर है। द लार्जेस्ट क्रैब अवेलेबल इन इंडिया इज। लार्जेस्ट क्रैब जो अवेलेबल है इंडिया के अंदर वो कौन सा है, उसका जो आंसर आएगा वो आएगा साइला सिरेटा। साइला सिरेटा जो है ये इसका आंसर आएगा। क्रैब्स जो होते हैं, ये डेकापोड क्रस्टेशंस होते हैं जो कि ऑर्डर ब्रैकियोरिया के अंदर आते हैं। फाइलम जो है इसका आर्थ्रोपोडा है। सब फाइलम क्रस्टेशिया आता है, क्लास मलेकोस्ट्रेकिया आता है, और ऑर्डर जो है डेकापोडा से ये बिलोंग करते हैं। ओके, यहां तक क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सी वीड प्रोड्यूसिंग रीजन इन 2022। 2022 की अगर हम बात करें अभी तक कौन सा जो है सी वीड प्रोड्यूसिंग रीजन है, तो हमें ये बताना है। या ऑप्शन जो दिए गए हैं इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ए आर एम एम। देखिए जो ए आर एम एम है, इसका इसका जो नाम फुल फॉर्म है वो है ऑटोनोमस रीजन इन मुस्लिम मैंडन्यू। ये फिलिपीन के अंदर एक रीजन पड़ता है जहाँ बहुत ज़्यादा सी वीड्स प्रोड्यूसिंग प्रोड्यूस हुआ है। और इंडिया की बात करें, तमिलनाडु और गुजरात जो ऐसे रीजन हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा सी वीड होता है। Which of the following does not belong to the group? यहाँ पे हमें बताना है कौन सा जो है एक ग्रुप के अंदर जो बिलोंग नहीं करते। देखिएगा जेंट फ्रेश वाटर प्रॉन, मैंग्रोव क्रैब, श्रिम्प, ये जो हैं तीनों की तीनों तीनों एक ग्रुप के अंदर बिलोंग करते हैं, बट जो नहीं करता है वो है
ऑयस्टर, ऑयस्टर जो है ये इसके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि जो ऑयस्टर आता है ये मोलस्का के अंदर आता है। सब फाइलम जो है ट्रिमोमोर्फिया है, और इसके बहुत सारे जो हैं ऑयस्टर जो हैं नाम जाने जाते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जिस तरह से टेरेडिया है जिसको हम फीदर ऑयस्टर कहते हैं, स्पोंडिलिडिया है, स्पाइनी ऑयस्टर कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया है, ट्रू ऑयस्टर कहते हैं, तो इस तरह बहुत सारे ऑयस्टर हैं। तो यहाँ पे ऑयस्टर जो है इसका आंसर आएगा, जो बाकी जो हैं ये मित्र जुड़ते हैं एक ग्रुप के अंदर आते हैं। द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रॉल्स एक्सेप्ट, यहाँ पे कौन सी एग्जाम्पल है ट्रॉल्स की, छोड़ के, किसको छोड़ के, तमाम की तमाम जो एग्जाम्पल हैं देखिएगा। जो फिलिपिनो ट्रॉल्स है ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जी एम पी, जी एम पी जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, बताइएगा जी एम पी का फुल फॉर्म क्या होता है। ये कमर्शियल में इसका जो यूज़ होता है आप समझिएगा कि ये इकोनॉमिक्स के अंदर इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जो है इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लोकल नेम ऑफ ए बेंगस फ्राई और फिंगरलिंग्स, देखिए जो बेंगस फ्राई होती है इसको हम फिंगरलिंग भी कहते हैं, इसके बहुत सारे नाम से जानी जाती है, लोकल नाम जो इसके हैं, इसके लोकल नाम जो हैं वो हैटरिन भी कहते हैं, कैविंग कैविंग भी कहते हैं, गैरोगिंग भी कहते हैं, लेकिन जो अलेंगवा लेंगवा है ये इसको नहीं कहते हैं। ऑर्गेनिजम्स दैट आर फाउंड थ्राइविंग इन द बॉटम पार्ट ऑफ द एक्वेटिक इन्वायरमेंट इज टर्म्ड एज, जो कि बिल्कुल बॉटम पार्ट में एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं बेंथोज, क्या कहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बेंथोज कहते हैं जो कि बिल्कुल बॉटम पार्ट ऑफ द एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉक इज अंडर फैमिली कैरेक्टरिडिया, अब देखिए जो कैरेकनिडिया जो है कौन सी फैमिली के अंदर आता है, देखिएगा इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी स्पीशीज जिस तरह टाइगर शॉक, बुल शॉक, स्पाइनर शॉक्स, ब्लैक शू शॉक्स, ब्लैक स्टिप शॉक्स, कॉपर शॉक्स, ब्लू शॉक्स, ये जो शॉक्स हैं ये तमाम की तमाम शॉक्स जो हैं इसके अंदर रहती है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा टाइगर शॉक। ओके, टाइगर शॉक भी इसी फैमिली से बिलोंग करती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सी वीड कैन यू ऑब्टेन अगर, अगर जो है कौन से सी वीड से हम ऑब्टेन करते हैं, जी हाँ इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है, वो है ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया जो है ये ऐसा सी वीड है जिससे हम अगर को यूज अगर अगर को हम ऑब्टेन करते हैं। दिस स्पीशीज इज द मोस्ट प्रोड्यूस्ड इन एक्वा कल्चर वर्ल्ड वाइड इन 2021, 2021 के अंदर आपको देखिएगा इसमें दो जो है बहुत स्पीशीज ज़्यादा जिसका वर्ल्ड वाइड जो है डिस्ट्रीब्यूशन रहा है, सबसे पहला जो है वो है आता है नाम ग्रास कार्प का, उसके बाद आता है नाइल तिलापिया का, ये दो ऐसी ग्रास कार्प और नाइल तिलापिया जो हैं ऐसी जो हैं जिनको बहुत ज़्यादा एक्वा कल्चर के अंदर इसका प्रोड्यूस हुई हैं 2021 में। तो पहले नंबर पे आता है ग्रास कार्प, दूसरे पे आता है नाइल तिलापिया, ये दोनों जो हैं दोनों को दोनों बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुई हैं एक्वा कल्चर के अंदर वर्ल्ड वाइड इन 2021। दिस इज डिफाइंड एज पार्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट focused on providing confidence that quality requirement is fulfilled, this is process oriented and focuses on preventing quality issue, तो इसको हम क्या कहते हैं क्वालिटी एश्योरेंस, क्या कहते हैं क्वालिटी एश्योरेंस इसको हम कहते हैं। वॉट इज द पर्पज ऑफ आई स्टॉक एबलेशन इन फीमेल श्रिम्प प्रॉन्स, वॉट इज द पर्पज ऑफ आई स्टॉक एबलेशन इन फीमेल श्रिम्प या प्रॉन, तो इसका आंसर क्या आएगा स्टिमुलेट सेक्चुअल मैचुरेशन, क्या आएगा स्टिमुलेट्स सेक्चुअल मैचुरेशन, ये पर्पस होता है आई स्टॉक एबुलेशन इन फीमेल श्रिम्स के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, ऑप्शन यहां पे नीचे दिए गए हैं, हमें ये बताना है कौन सा जो है बिलोंग नहीं करता है इस ग्रुप के अंदर, मार्शेस, रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, तो इसका आंसर क्या आएगा रिवर्स, ठीक है मार्शेस, पॉन्ड्स, लेक्स जो है ये एक ही खेती की बाड़ी है और जो रिवर्स है इसके अलग आएगा। ओके, अंडर विच फिशरी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रेयर थ्रेटनड एंडेंजर्ड स्पीशीज, तो इसका जो आंसर आएगा FA 208 जो है ये, और हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात करें इसमें जो अगर फिशरी की बात करें इसमें ऐसे रूल्स दिए गए हैं जो कि रेगुलेशन जो है किसके लिए कंजर्वेशन ऑफ रेयर थ्रेटनड एंडेंजर्ड स्पीशीज के रिलेटेड। द पेंगेशीज मीट सोल्ड इन द मार्केट इज कॉमनली नोन एंड लेबल्ड एज, अब जो पेंगेशीज फिश का मीट जो है वो सोल्ड होता है मार्केट के अंदर तो उसको हम किस लेवल से हम उसको जानते हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा क्रीम डोरी, क्या आएगा क्रीम डोरी के नाम से इसको हम जानते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग मैंग्रोव क्रैब स्पीशीज ग्रोज द लार्जेस्ट, आप बताइएगा कौन सी जो है मैंग्रोव जो है क्रैब स्पीशीज जो है ग्रो करती है लार्जेस्ट। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो आएगा साइलासिरेटा। साइलासिरेटा जो है इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द बॉडी पार्ट ऑफ एकिनोडर्म्स आर कॉल्ड पोडिया, बताइएगा कौन सा कहते हैं, कौन सा पार्ट है एकिनोडर्म्स का जिसको हम पोडिया कहते हैं। जी हाँ, ट्यूब फीट, ट्यूब फीट को हम क्या कहते हैं, पोडिया, इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द फैमिली करेंजिडिया, बताइएगा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द फैमिली करेंजिडिया, कौन जो है फैमिली करेंजिडिया से बिलोंग नहीं करता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसका आंसर आएगा कोरिफिनिया हाइपरस, ये इसका आंसर आएगा। बाकी जो एलेगेटस बेपनुटलेटा जो है, सीलर क्रोपनोफिटलस है, क्रेजुडियस बजौड़ है, ये तीनों तीनों जो हैं ये बिलोंग करते हैं फैमिली कैरेजेंडस के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग काजेज रेडनेस इज साल्टेड फिश, बताइएगा विच ऑफ द फॉलोइंग काजेज रेडनिंग इन साल्टेड फिश, पता है आपको कौन काज करता है रेडनिंग साल्टेड फिश के अंदर, प्रेजेंस ऑफ हेलोफिलिक बैक्टीरिया, प्रेजेंस ऑफ हेलोफिलिक बैक्टीरिया जो है इसका आंसर है, ये काज करते हैं रेडनिंग इन साल्टेड फिश। इफ द फिश पॉन्ड हैज ए लो डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल एट नाइट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डन, बताइएगा हम उस टाइम क्या करते हैं, और हम फिश पॉन्ड की बात करें और उसके अंदर लो डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल है जब नाइट के अंदर, तो कौन सा हम उसको हम इस्तेमाल करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डन, हम क्या करते हैं, हम करते हैं यूज ऑफ पैडल व्हील इरेटर, ठीक है ना, यूज पैडल व्हील इरेटर्स जो हैं इसका हम इस्तेमाल करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्राउन सीवीड, बताइएगा इनमें से कौन सा जो है जिसको हम ब्राउन सीवीड कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, सरगैसम जो है, सरगैसम को हम कहते हैं ब्राउन सीवीड। ओके, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है व्यू। दिस इक्विपमेंट एक्टिविटी इज फाउंड इन परसीन्स बट नॉट इन रिग्नेट्स, वट इज इट, वट इज इट, इट इज पावर ब्लॉक। In the tropics, what is the ideal ice fish ratio in chilling to maintain the temperature at 0 degree Celsius? तो इसका आएगा 1:1. Which fish, a shrimp stage that requires the highest crude proteins? बताइएगा which fish shrimp stage that requires the highest crude proteins? तो ऑप्शन जो ये हैं यहाँ पे दिए गए हैं, इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा फ्राई। फ्राई जो है ये ऐसा स्टेज है जो कि रिक्वायर करता है हाईएस्ट क्रूड प्रोटीन। Which of the following is not a mollusk? ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है मोलस्क नहीं है। ओके, देखो शिपवॉर्म है, कटल फिश है, सी स्लग है, तो नहीं है तो क्राउन ऑफ थॉर्न्स जो है ये इसका आंसर नहीं आएगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैटेगराइज्ड एज ए लिफ्ट नेट, यहाँ जो दिए गए हैं इनमें से बताना है कौन सा जो है कैटेगराइज किया गया है, नहीं कैटेगराइज किया गया है लिफ्ट नेट के अंदर, नॉट कैटेगराइज एज ए लिफ्ट नेट। तो इसका जो आंसर आएगा, देखो बैस निग है, ये लिफ्ट नेट के अंदर आता है, बिंटोल भी आता है और टेंकॉल भी आता है, तो क्रंटेने जो है ये नहीं आता है। Which dinoflagellates that cause paralytic shellfish poisoning? जो हम रेड टाइड इन मैनिला बे इन मलम्पिया साउंड इन पेलवान, तो ये इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, पैरोडिनम डायमेंसी। Which fishery community is mostly produced in brackish water ports, pens एंड केस इन द फिलीपींस, फिलीपींस के अंदर हम बात करें क्योंकि फिलीपींस के अंदर बहुत ज़्यादा फिशरी होती है, इसलिए फिलीपीन का नाम यहाँ पे आता रहता है बुक्स के अंदर, ठीक है ना। अब जो फिलीपीन है इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो फिशरी कम्युनिटी है, मोस्ट प्रोड्यूस्ड ब्रैकिश वाटर पॉइंट पेंस केस इन फिलीपींस, कौन सी है, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, मिल्क फिश। वट डू एडल्ट ग्रीन सी टर्टल ईट, What do adult green sea turtle eat? आंसर क्या आएगा इसका, Seaweeds and seagrass. Which of the following is correctly paired? बताइएगा इनमें से कौन सा जो है correctly paired है, यहां ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है आपको इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा,
देखो ये येलो फिन ट्यूना, सार्डा ओरिएंटेलिस, ये सही है। सही है, गलत है ये। इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा फ्रिजेट टूना, जिसको हम कहते हैं ऑक्सिस थेजर, ठीक है ना। ये जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक, फ्रिजेट ट्यूना जिसको हम कहते हैं ऑक्सिस थेजर, ये जो है करेक्टली पेयर्ड है। टू किल स्पोर्स ऑफ क्लोस्ट्रोडियम बोटुलिनम, ए स्टरलाइजेशन प्रोसेस इक्वलेंट टू डैश डैश डिग्री सेल्सियस फॉर 3 मिनट्स इज रिक्वायर्ड। तो कौन सा हमें इस्तेमाल करना करना है? इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 121 डिग्री सेल्सियस। व्हेन मैंग्रोव क्रैब हैज़ ए कैरापेस वेथ ऑफ लेस देन 5 मिलीमीटर, इट इज कैटेगोरिकली कॉल्ड एज। जब इसका जो कैरापेस ऊपर होता है ना, जब क्रैब का कैरापेस जो है उसकी वेथ जो है लेस देन 5 mm है, तो वो किस कैटेगरी के अंदर आता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। तो आप बताइएगा, ये आएगा लेंगवा लेंगवा के अंदर, ठीक है ना। विच कैट फिश इज कॉमर्शली नोन एज क्रीम डोरी, बताइएगा कौन सी कैट फिश है जिसको हम कहते हैं क्रीम डोरी, बड़ी इंपॉर्टेंट है। पेंगेशिस पेंगेशिस जो फिश कैट फिश है इसको हम कॉमर्शली कहते हैं क्रीम डोरी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द टारगेट स्पीशीज ऑफ जिगर्स, बताइएगा कौन सी हैं? अगर हम स्पीशीज ऑफ जिगर्स की बात करें, इसमें पहला नाम आता है स्क्विड्स का और दूसरा नाम आता है ऑक्टोपस का। ये दो जो हैं ये स्पीशीज ऑफ जिगर्स के अंदर आती हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउड साल्ट कंटेंट NaCl इन ड्राइड एंचोवीज एज स्टेटेड इन PNS BFAPS 176? तो इसका जो एंचोवीज के अंदर कितना आता है? 15%। 15% जो है इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इंडियन मेजर क्रॉप, बताइएगा कौन सी जो है मेजर क्रॉप्स के अंदर नहीं आती है? कतला कतला, लेबियोरहिटा, सिनिस मैगेला, ये तीनों जो हैं ये तीनों की तीनों आती हैं मेजर क्रॉप्स के अंदर। तो नहीं आती है वो है हाइपोथैलेमस मोल्ट्रिक्स। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज बीन इंक्लूडेड एज इन एंडेंजर्ड स्पीशीज बाई IUCN, बताइएगा कौन सी स्पीशीज है जो इंक्लूड हुई है एंडेंजर्ड स्पीशीज बाई IUCN रिसेंटली? तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? वेल शॉक। ओके, वेल शॉक जो है इंडेंजर्ड स्पीशीज लिस्ट कर दी गई है IUCN के अंदर। विच फिन इज यूज्ड बाई सी हॉरस इन स्विमिंग, बताइएगा कौन सा फिन जो है यूज किया जाता है बाई सी हॉरस इन स्विमिंग? तो इसका आंसर आएगा डॉर्सल फिन। कौन सा? डॉर्सल फिन। विच इज द मैक्सिमम एक्सेप्टेबल टोटल मरकरी लेवल इन सिफेलोपोड्स, इसका आंसर आएगा 0.5 PPM। आफ्टर मिल्क फिश व्हाट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फिन फिश प्रोड्यूस्ड इन एक्वाकल्चर इन द फिलीपीन, इसका आंसर क्या आएगा? तिलापिया। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ सी वीड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनकरेज टू द सबस्ट्रेट होल्ड फास्ट, विच स्पीशीज डज नॉट हैव ए स्ट्रीम लाइन बॉडी, बताइएगा कौन सी स्पीशीज जो नीचे दी गई है जिसकी स्ट्रीम लाइन बॉडी नहीं होती है? जी हाँ, वो है मैरब्लेड ग्रोपर। मैरब्लेड ग्रोपर की जो बॉडी होती है वो स्ट्रीम लाइन नहीं होती है। बाकी अगर हम बात करें स्पिक जैक टूना की, बात करें टाइगर शार्क की, बात करें ब्लू मैरलिन की, बात करें इनकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीम लाइन होती है। व्हाट इज द आइडियल टेम्परेचर ऑफ फॉर कोल्ड स्मोकिंग, कोल्ड स्मोकिंग के लिए जो आइडियल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? जी हाँ, वो होता है 30 डिग्री सेल्सियस। विच कल्चर स्पीशीज इज यूज टू रिड्यूस और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ल्यूमिनस बैक्टीरिया इन श्रिम्प कल्चर, बताइएगा कौन सी विच कल्चर स्पीशीज यूज होती है टू रिड्यूस या इनहिबिट ग्रोथ ऑफ ल्यूमिनस बैक्टीरिया इन श्रिम्प कल्चर? तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? तिलैपिया। दिस रेफर्स टू द फेदर और रॉड शेप्ड चैटोनियल सपोर्टिंग स्ट्रक्चर इन द डोर्सल मिड लाइन ऑफ स्क्विड, व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस, बोलिएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? ग्लैडियस और पेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टिलोस्ट, बताइएगा इनमें से कौन सी जो है टिलोस्ट नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टिलोस्ट? स्केट।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर डेस्टिनेशन ऑफ कैरेनियन फ्रॉम द फिलिपीन, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। विच इज द इफेक्ट ऑफ ओवर लाइमिंग इन पोर्ट्स, बताइएगा कौन इफेक्ट करता है ओवर लाइमिंग इन पोर्ट्स, क्या इफेक्ट करता है, इसका आंसर क्या आएगा डिक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ फॉस्फोरस। याद रखना जब भी लाइमिंग जो होती है, ओवर लाइमिंग जो होती है पोर्ट्स के अंदर, वो डिक्रीज करती है अवेलेबिलिटी ऑफ फॉस्फोरस, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट रेफर्स टू द मॉडिफाइड फोर्थ पेयर ऑफ अपेंडिक्स इन स्क्विड कटल फिश दैट इज यूज्ड टू कैप्चर इट्स प्रे टेंटिकल्स, क्या बोलते हैं उसको टेंटिकल्स। According to RA 1065/4, the municipal LGU should set aside at least at a total coastal area as fish sanctuaries 15%. What do you call the white sticky substances that comes out of sea cucumber? बड़ा important है ये। What do you call the white sticky substances that comes out of a sea cucumber? उसको हम क्या कहते हैं? Cuvierian tubules. बड़ा important है ये। The fish is often referred to as the chicken of the sea. बोलिएगा white albacore tuna, tuna जो है इसका correct answer है. Okay, तो ये थे आज के कुछ questions, review किया हमने questions को, इसके answer भी दिए गए हैं. I think बहुत से questions जो हैं बड़े important थे exam point of view. ऐसे question, ऐसे videos देखने के लिए आप जुड़े रहिए teaching biology के लिए, biology के साथ. तो आजकल रमजान चल रहा है, रोज़े रख रहे हैं, ठीक है ना, तो टाइम ही नहीं मिल रहा है कि हम कुछ लेक्चर हम अपलोड करें, लेकिन कोशिश करते रहेंगे, ऐसे ऐसे वीडियोस डालते रहेंगे जो कि आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो और आपको बड़ा इजी सा पेपर लगे जब आप एग्ज़ाम के अंदर जाए।